Planes time slip into the future. Year 1935. Location Sweden. एक रिस्पेक्टेड एयर मार्शल जिसका नाम था सर रॉबर्ट विक्टर गॉडार्ड, वो एंडोवर नाम की एक जगह से एडिनबर्ग जा रहे थे। उन्होंने तय किया कि चलो आज ड्रिम के ऊपर से सैर करके जाते हैं। ड्रिम एयरबेस को एक बार देख के जाता हूँ। ड्रिम एक बंद हो चुका अबंडेंट एयरबेस था, कई सालों से बंद था। जो ड्रिम एयरबेस थी वो नॉर्मल नहीं थी, मतलब वो बंद पड़ा था, अबंडेंट था। वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ गाय थे जो घास चरते थे, और वो पूरी तरह से जंगल में बदल गया था। तो जैसे ही वो ड्रिम के ऊपर से गुजर रहे थे और नजारा देख रहे थे कि उन्होंने देखा फ्लाइट के बीच में अचानक स्टॉर्म आ गई। उसके बाद उन्होंने देखा वो अजीब की डेफिनेशन थी कि बिजली बारिश वाली मौसम गर्मी में बदल गई। उनका प्लेन डिसबैलेंस हो रहा था। तब उन्होंने नीचे देखा कि खंडर जैसे दिखने वाला ड्रिम एयरबेस फुली फंक्शनल नई हवाई अड्डे में तब्दील हो चुका था। कि उन्होंने देखा कि लोग ब्लू यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे। ध्यान देना, ब्लू यूनिफॉर्म। बहुत सारे एयरप्लेन्स उस बेस पर आ चुकी थी और ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुए लोग बिगड़ी हुई एरोप्लेन्स को ठीक कर रहे थे। ये नज़ारा उन्होंने देखा। कुछ सेकंड्स बाद अचानक वही बारिश और तूफान आ गई, और फिर उन्होंने नीचे अचानक देखा कि वापस वो बेस नॉर्मल बंद हुई बेस में बदल चुकी है। उन्होंने जैसे जैसे अपने प्लेन का बैलेंस बनाए रखा, बहुत तेजी से उन्होंने उसी मौसम में एडिनबर्ग में लैंड किया। प्लेन से उतरने के बाद उन्होंने सबको ये बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। उनकी कहानी सुन के उनके दोस्तों की हंसी नहीं रुक रही थी। बात यह है कि सर विक्टर रॉबर्ट गॉडार्ड एक रिस्पेक्टेड एयर मार्शल थे और उन्हें बेस का सबसे इंटेलिजेंट आदमी माना जाता था। लोगों ने सोचा कि इस तरह का इंटेलिजेंट आदमी ऐसी बातें कैसे कर सकता है। उनकी कहानी एक कंफ्यूज्ड आदमी जैसे कहानी बनकर सालों तक ऐसे ही रह गई। कहानी में ट्विस्ट, ये है वो ट्विस्ट। वो हादसा 1935 में हुई थी, पर चार साल बाद यानी 1939 में एक अजीब चीज हुई। 1939 तक वही सेम बंद हुई एयरबेस वो डे टू डे काम आने वाली जगह बन चुकी थी। उसे पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया था और वो एक अबंडेंट एयरबेस से एक नॉर्मल एयरबेस बन गया। वो जगह बन गया जहां बिगड़ी हुई एयरप्लेन्स ठीक की जाती थी, और जो ठीक करने वाले मैकेनिक्स थे ब्लू यूनिफॉर्म पहनते थे। एक बहुत वेल सेट एयरबेस बन चुकी थी। एक मिनट, क्या इसी सीन को रॉबर्ट विक्टर गॉडार्ड ने नहीं देखा था? यही तो मिस्ट्री है। चार साल पहले यानी 1935 में उन्होंने इस चीज को देख लिया था, और बिल्कुल सेम वही सीन 1939 में हो रहा था। इसका मतलब है शायद उन्होंने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया था। तो सवाल ये है, क्या उसने फ्यूचर का टाइम स्लिप किया था? थ्योरीज तो टाइम स्लिप की ही तरफ इशारा करती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, टाइम ट्रेवल इनटू पास्ट, 100 वीडियो पे 100 लाइक्स का रिकॉर्ड है। अगर आप लोग 100 लाइक्स इस वीडियो को कर लोगे तो इसके बाद मैं टाइम ट्रेवल का सेकंड पार्ट यानी टाइम ट्रेवल इनटू द पास्ट बना लूंगा। अगर आप लोग को इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।